ब्रेकिंग, सूरत के पांडेसरा इलाके से लापता 3 साल की बच्ची सुरक्षित मिल गई। सुबह करीब 10:30 बजे बच्ची लापता हो गई। लड़की अपने घर से नीचे आई। दोपहर 12:30 बजे माँ ने पुलिस को सूचना दी। करीब 100 पुलिसकर्मी तुरंत लड़की की तलाश में जुट गए। स्थानीय इलाके में लड़की की तलाश शुरू की गई। बच्ची को ढूंढने के लिए स्थानीय इलाके में माइक से अनाउंसमेंट कराया गया, लड़की की तलाश करनी है। तस्वीरें अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की गईं। स्थानीय क्षेत्र के लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो शेयर कर लड़की को ढूंढने की कवायद की गई। एक स्थानीय दुकानदार को बच्ची मिली। पुलिस माइक घोषणा अधिसूचना के बाद स्थानीय दुकानदार अभिषेक दुबे ने पुलिस को सूचना दी। 2 घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची सुरक्षित हालत में मिल गई। पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली। मासूम बच्ची के साथ कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई है, इसका पता लगाने के लिए मेडिकल जांच कराई जाएगी। बायक विजय सिंह गुर्जर, DCP। ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद। पांडेसरा हाउसिंग में राजरत्ना सोसाइटी है, वहाँ से एक सौम्या नाम की 3 साल की बच्ची है, वो सुबह गायब हो गई थी। 10:30 बजे के आसपास उसके घर में लाइट चली गई, तो 5 साल का उसका बड़ा भाई और वो सौम्या दोनों, उनकी माँ उनको मोबाइल देके और कुछ पोएम गाना चला के दे गई और नीचे दुकान पे कुछ सामान लाने चली गई। तो पीछे से वो दोनों बच्चे अकेले थे और ये 3 साल की बच्ची जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे ये एक रूम के घर में रहते हैं, तो वहाँ से नीचे उतर के और वहाँ से निकल गई और सिर्फ बच्ची अंडरवियर पहने हुए थी। तो 10:30 से इन लोगों ने, इसकी माँ ने और आसपास के लोगों ने खुद से ढूंढना चालू रखा और करीब 12:30 बजे पांडेसरा पुलिस स्टेशन में इन्होंने जान किया। तो तुरंत से वहाँ पे करीब 100 जितने पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई पूरे पांडेसरा विस्तार में उनको CCTV देखने के लिए, और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जो मजदूर वहाँ पे काम करते हैं सोसाइटी वाले, उनके व्हाट्सएप ग्रुप है, उनमें बच्ची का फ़ोटो सर्कुलेट किया। और ये इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग एक ऑटो पे माइक रख के उसमें अनाउंसमेंट करवाते हैं और साथ में फ़ोटो के साथ में पुलिस वालों को बिठा देते हैं, तो अनाउंसमेंट करते रहते हैं। तो जब ये अनाउंसमेंट कर रही थी पुलिस, तो एक अभिषेक दुबे नाम के व्यक्ति हैं जिनका दुकान है, उनको अनाउंसमेंट सुना, तो उन्होंने एक बच्ची को देखा और उन्होंने अपनी दुकान में बच्ची को बिठाया और पुलिस स्टेशन में उन्होंने इमीडिएटली जान किया। तो बच्ची मिल गई, 2 घंटे के अंदर ही पुलिस ने ढूंढ लिया बच्ची को, और अभी बच्ची और उसके पेरेंट्स जो हैं वो पुलिस स्टेशन में हैं और बच्ची का अभी मेडिकल करवाने के लिए बच्ची को भेज रहे हैं। और पेरेंट्स से भी अपील है, हमारे हर GIDC में डे केयर सेंटर हैं जहाँ पे 6 साल तक के बच्चे हैं उनको हम लोग रखते हैं, वहाँ अच्छी खाने की सुविधाएं हैं, पढ़ाते भी अच्छा हैं, तो ऐसे बच्चे हैं उनको फ्री सुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन की भी वहाँ पे भी, डे केयर में भी फ्री सुविधा है, तो वहाँ पे भेजिए। इनके लिए हम लोग कंटिन्यू सेमिनार भी कर रहे हैं सोसाइटी वाइज। फिर भी पेरेंट्स से सभी से अपील है कि ऐसे जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स काम कर रहे हैं या फादर काम कर रहे हैं, मदर के 3-4 बच्चे हैं, तो जो बच्चे एलिजिबल हैं जिनका एज है 3 से 6 साल का, उनको वहाँ पर भेजा जा सकता है। थैंक यू।